अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत की डामाडोल पॉलिसी से कोरोना वायरस आम हो रहा है, अगर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं तो फिर जहाज, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान या उनकी टीम लॉकडाउन को ठीक नहीं समझती तो उन्हें फैसला करने से किसने रोका है। लाहौर और कराची के ताजरों के लिए मजीद लॉकडाउन काबिले बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत की डावाडोल पॉलिसी से कोरोना वायरस आम हो रहा है, अगर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं तो फिर जहाज, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में एक ही पॉलिसी अपनाई जाए ताकि कोरोना वबा से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रिलीफ ऐलानात अभी तक ऐलानात ही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अवाम के मसाइल से नहीं अपनी अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने से गर्ज है। सिराजुल हक ने दावा किया कि अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की इमदादी सरगर्मियां मुल्क भर में हर जगह नजर आ रही हैं। अल खिदमत का फैसलाबाद में 5 रुपए में 2 रोटियों का पैकेज आम आदमी के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है।